हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। प्रोपोजिशन क्या होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग के एस्पेक्ट में हम इसकी बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट की रीजनिंग किस बेसिस पे हो सकते हैं, यानी इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, और उनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं फर्दर, वो सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज में कवर करवाई है, जाके एक बार वो टॉपिक्स देख लीजिएगा। ठीक है जी, पहले बात आती है प्रोपोजिशन की। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग में किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। जैसे कनेक्टेड सीरीज ऑफ स्टेटमेंट को हमने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट बोला था, वैसे ही वो जो एक स्टेटमेंट है उसको हम प्रपोजिशन बोलेंगे। यानी कि जो हमने प्रिमाइसेस या कंक्लूजन पढ़े थे वो सारे के सारे अपने आप में एक प्रपोजिशन है। ठीक है, सो प्रपोजिशन क्या होगा, एक सेंटेंस होगा दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड गिव्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स। So, वो रिलेशनशिप दिखाएगा दो टर्म, दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में। प्रपोजिशन इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड फ्रॉम विच फिर एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। जैसे प्रिमाइसिस को हम अज्यूम करके चल रहे थे ना, तो प्रिमाइस भी अपने आप में एक प्रपोजिशन है, क्योंकि वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है जो कि रिलेशनशिप दिखा रहा है दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में। ठीक है, प्रपोजिशन के चार पार्ट होते हैं, यानी किसी भी स्टेटमेंट या सेंटेंस के चार पार्ट होंगे। एक होगा क्वांटिफायर, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और एक कॉपुला। ये इसकी सीक्वेंस रहेगी, क्वांटिफायर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन कॉपुला, देन प्रेडिकेट। अब इनका मतलब क्या है वो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। प्रपोजिशन में क्वांटिफायर क्या रहेगा, जहां क्वांटिफाई करे, यानी ऑल, नो, सम, सो जो क्वांटिटी दिखाए आपको। ठीक है, तो जो ऑल और नो, या तो सारे ही है या कोई भी नहीं है, वो तो क्या हो गया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गई। लेकिन सम में क्या आ गए, कुछ एक चीजें आ गई, सो वो पर्टिकुलर क्वांटिफायर हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होगा, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। प्रेडिकेट होगा जिसके साथ, मतलब समथिंग दैट अफर्म्स और डिनाइज द सब्जेक्ट, यानी रिलेशनशिप जो हम बताएंगे ना वो चीज, प्रेडिकेट। फिर कॉपुला रहेगा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर दिखाऊं, ऑल बैट्स आर बॉयज, तो ऑल क्या हो गया, क्वांटिफायर हो गया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, बैट्स क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, और बॉयज क्या है, जो हमारा प्रेडिकेट है वो है, और आर क्या हो गया हमारा, कॉपुला, जो कि बैट और बॉयज के बीच में एक रिलेशनशिप दिखा रहा है। सेम चीज यहां जाएगी, सम क्या है हमारे पास, क्वांटिफायर, यानी पर्टिकुलर क्वांटिफायर हो गया, प्लेयर्स हमारे पास सब्जेक्ट है, आर हमारे पास कॉपुला है, और डॉक्टर हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है जी, सो ये चार टर्म्स जो है आप याद रखेंगे प्रपोजिशन से रिलेटेड। ये था प्रपोजिशन होती क्या है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।